नमस्कार, आरके क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आइए हम लोग जीके के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 से चलते हैं। बोलिए कि भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध, एक सेकेंड, भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से हैं? महाराणा प्रताप, चंद्रगुप्त मौर्य, भरत चक्रवर्ती, अशोका मौर्य, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भरत चक्रवर्ती। आइए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? बताइए, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, मद्रास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये मुंबई। मुंबई भारत का सबसे बड़ा शहर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा राज्य, बताइए भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। क्षेत्रफल के दृष्टि से ये राजस्थान सबसे बड़ा है और जनसंख्या के दृष्टि से यूपी सबसे बड़ा है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं। वर्तमान भारत में कुल कितने राज्य हैं? बताइए, 28, 29, 36 और 15। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 28। नेक्स्ट, भारत की सबसे लंबी नदी, बताइए भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंडकी, कोसी, ब्रह्मपुत्र, गंगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गंगा। नेक्स्ट, भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन सा है? बताइए सबसे चौड़ी नदी कौन सी है इंडिया का? ब्रह्मपुत्र, गोमती, गंगा या चंबल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र चौड़ी नदी है इंडिया का। नेक्स्ट आइए, भारत का सबसे ऊंची मीनार कौन सा है? बताइए सबसे ऊंची मीनार भारत का कौन सा है? चार मीनार, कुतुब मीनार, झूलता मीनारा, शहीद मीनार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुतुब मीनार। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? बताइए भाखड़ा बांध, इंदिरा सागर बांध, हीराकुंड बांध या नागार्जुन सागर बांध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हीराकुंड बांध। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत का सबसे लंबा सुरंग कौन सा है? बताइए भारत का सबसे लंबा सुरंग कौन सा है? चेनारी नासरी सुरंग, जवाहर सुरंग, मलीगुडा सुरंग और कामसेट सुरंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चेनानी नासरी सुरंग, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं, भारत का सबसे ऊंची मूर्ति कौन सा है? ऊंची मूर्ति आपको बताना है कि इंडिया का कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, हर मंदिर साहिब, हम्पी, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, गोमतेश्वर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, सी इसका राइट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? बताइए क्वेश्चन नंबर 11, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, बेंगलुरु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक क्या है? एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? बताइए, कमलजीत संधु, सुचेता कृपलानी, राजिया बेगम या बछेंद्री पॉल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कमलजीत संधु, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, हिमालय का माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? कल्पना चावला, रजिया सुल्ताना, बछेंद्री पॉल, सुचेता कृपलानी, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बछेंद्री पॉल, इसका सी आंसर होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? बताइए, भारत की प्रथम महिला आईपीएस, सरोजिनी नायडू, किरण बेदी, बिमला देवी या मदर टेरेसा। 14 का बताइए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किरण बेदी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू, सुष्मिता सेन, प्रतिभा पाटिल या ममता बनर्जी, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चलते हैं,
क्वेश्चन नंबर 16 बताइए, सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? बताइए, उमा भारती, सुष्मिता सेन, फातिमा बीवी या कर्णम मल्लेश्वरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 का ऑप्शन नंबर सी, फातिमा बीवी। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? बताइए, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? 17 लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड डफरिन या लॉर्ड लिटन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 होगा, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? 18 बताइए, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालाचारी और लॉर्ड लिटन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट आइए देखते हैं, भारत का प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन था? बताइए, भारत का प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी या मोरारजी देसाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट चलते हैं, जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने थे? बताइए, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1948 या अन्य। कब बना था? तो जिस समय इंडिया आज़ाद हुआ था उसी समय जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री बने थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 15 अगस्त 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 बताइए, भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? बताइए, प्रथम महिला प्रधानमंत्री आपको बताना है, प्रतिभा पाटिल, एम फातिमा बीवी, इंदिरा गांधी या कोई और। तो बताइए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा गांधी। नेक्स्ट आइए चलते हैं, भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे या कौन है? क्वेश्चन नंबर 22 बताइए, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? अब्दुल कलाम आज़ाद, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन या बसप्पा दनप्पा जट्टी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन था? बताइए, प्रथम भारतीय कौन थे? हरगोविंद खुराना, मदर टेरेसा, अमर्त्य सेन या रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रविंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बीएमएस चंद्र बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, बाल गंगाधर तिलक या लाला लाजपत राय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बीएमएस चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी को हुआ था। आइए नेक्स्ट चलते हैं, 1885 ईस्वी को हुआ था, एक सेकेंड। आइए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? बताइए, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? क्वेश्चन नंबर 25 बताइए, राकेश शर्मा, कल्पना चावला, सुष्मिता विलियम्स या अन्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राकेश शर्मा। नेक्स्ट देखते हैं, दक्षिणी ध्रुव पर पहुँचने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन थी? दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तारा चेरियन, बिमला देवी, इरीना कौशल धर्मशक्तु या डॉक्टर अमृता पटेल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इरीना कौशल धर्मशक्तु। नेक्स्ट बताइए, क्वेश्चन नंबर 27 बताइए, भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म कौन सा है? मॉक फिल्म था जिसमें कि आवाज़ नहीं था, बताइए कौन था? राजा हरिचंद्र, किशन कन्हैया, पुंडलिक या भीष्म प्रतिज्ञा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजा हरिचंद्र, प्रथम मूक फिल्म थे इंडिया का। नेक्स्ट, भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? बताइए, 28 का क्या होगा, भरत चक्रवर्ती, हिंदुस्तान, सिंधु शब्द से या अन्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिंधु शब्द से। नेक्स्ट, भारत खंड भारत का क्या है?
बताइए दूसरा नाम या राष्ट्र या सभ्यता या अन्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दूसरा नाम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 बताइए, एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 30 बताइए, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है, आर्थिक प्रगति, ऋण, आर्थिक सुधार या अन्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। नेक्स्ट चलते हैं। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, बताइए। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 31, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, चंडीगढ़, मिजोरम, सिक्किम या गोवा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम। नेक्स्ट, प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म कौन सा है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 32, प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म कौन सा है, राजा हरिश्चंद्र, कृष्ण कन्हैया, सीता विवाह या सती सुलोचना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृष्ण कन्हैया। नेक्स्ट, लाइफ टाइम अचीवमेंट के आश्वर पुरस्कार विजेता कौन है। क्वेश्चन नंबर 33 बताइए, सत्यजीत राय, भानु अथैया, रविंद्रनाथ टैगोर या किरण बेदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सत्यजीत राय। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, भारत के प्रथम वायसराय कौन था, बताइए। क्वेश्चन नंबर 34, भारत के प्रथम वायसराय कौन था, सर जॉन शोर, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिक या अर्ल कॉर्नवालिस। क्वेश्चन नंबर 34 बताइए, तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 35 बताइए, भारत की केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री कौन थी, श्रीमती सत्रो देवी, बी एस रमा देवी, राजकुमारी अमृता कौर या प्रिया हिमो रानी। क्वेश्चन नंबर 35 बताइए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजकुमारी अमृता कौर। सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आइए देखते हैं, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी, अमृता प्रीतम, सरोजिनी नायडू या सुचेता कृपलानी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुचेता कृपलानी। नेक्स्ट आइए देखते हैं, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, बताइए। श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, श्रीमती सुचेता कृपलानी, इंदिरा गांधी या अन्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 बताइए, भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, बताइए। क्वेश्चन नंबर 38, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, जी वी मावलंकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बीएमएस चंद्र बनर्जी या अन्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जी वी मावलंकर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 39 बताइए, शतरंज में प्रथम विश्व चैंपियन भारतीय कौन है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 39, व्लादिमीर क्रेमनिक, मीर सुल्तान खान ने, विश्वनाथन आनंद और देवेंद्र बरुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विश्वनाथ आनंद। नेक्स्ट आइए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र कौन सा था, कागज रहित बताना है आपको, हरी भूमि, द न्यूज़ टुडे, प्रभात खबर और अन्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द न्यूज़ टुडे, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं, दोहरा शतक बनाने वाले प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है, मिताली राज, अर्जुन चोपड़ा, अमिता शर्मा या पूनम यादव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिताली राज। नेक्स्ट आइए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन है, डॉक्टर नागेंद्र सिंह, जी वी मावलंकर, जगदीश चंद्र बसु, आर के नारायण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर नागेंद्र सिंह। आइए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 है, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी, श्रीमती सुचेता कृपलानी, राजकुमारी अमृता कौर या मीरा कुमार या बिमला देवी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मीरा कुमार। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 44 चलते हैं, भारत का सबसे पहला गृह मंत्री कौन थे,
विष्णुदेव साई, श्री श्री बेनी प्रसाद वर्मा या सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सी इसका राइट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? कैलाश सत्यार्थी, जीजे थॉमसन, सी वी रमन या मदर ट्रेसा। क्वेश्चन नंबर 45 बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सी वी रमन। नेक्स्ट आइए देखते हैं चिकित्सा विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? क्वेश्चन नंबर 46 बताइए। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, नील सिरिवर्ग फिनसैन, डॉक्टर हरगोविंद खुराना या अमर्त सेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर हरगोविंद खुराना। इसको 1968 में ये पुरस्कार मिला था। आइए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? क्वेश्चन नंबर 47 बताइए। रविंद्रनाथ ठाकुर, अमर्त सेन, वेंकट रामन रामकृष्णन या अन्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमर्त सेन। इसको 1998 में ये पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 बताइए। भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह, विश्वनाथन प्रताप सिंह, चंद्रशेखर सिंह या अन्य। बताइए क्वेश्चन नंबर 48। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 चलते हैं। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम महिला कौन है? इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा, किरण बेदी या सरोजनी नायडू। क्वेश्चन नंबर 49 बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मदर टेरेसा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन है? भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहला सॉरी भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? ऑप्शन नंबर ए श्रीमती पी के गेसिया, श्रीमती इंदिरा गांधी, श्रीमती बछेंद्री पाल या सुश्री सुष्मिता सेन। तो 50 का आंसर हो जाएगा श्रीमती इंदिरा गांधी।